आज हम ड्राइंग एंड कलरिंग बुक में से पेज नंबर 11 पे जो ये मिनी बस है ये हम आज करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने पिछली बार किया था वैसे अब यहाँ पे जो ड्राइंग यहाँ पे जो नहीं किया है वो हमें कंप्लीट करना है और ये मिनी बस पूरी करनी है। तो यहाँ पे जैसे ये लाइन यहाँ पे दिखाई है वैसे इसको पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद इसको पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये यहाँ पे आएगा, ये जॉइंट अच्छी तरह से करना है। इसके बाद इस ये जो लाइन है इसको सिमिलर ये लाइन आएगी ऊपर की इस तरह से, इसके बाद पीछे वाली लाइन इसको सिमिलर आएगी इस तरह से, और ये स्ट्रेट लाइन। उसके बाद यहाँ की विंडो हमें ड्रॉ करनी है, तो इसके लिए मैं हल्की सी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ताकि वो सेम आ जाए। इसके बाद यहाँ पे एक लाइन आएगी और इसकी साइड पे एक लाइन है, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन। तो ये होने के बाद इसको कॉर्नर इस तरह से हम करने वाले हैं, तो ये राउंड हो जाएगा जैसे यहाँ पे दिखाया है वैसे इस तरह से ये करना है। तो अब क्या रह गया है, यहाँ का पोजीशन इस तरह से और यहाँ पे जैसे दिखाया है ये लाइंस वैसे, ये इस तरह से हमारा ड्राइंग कंप्लीट हुआ। इसको अब हम स्केच पेन से स्केच करेंगे। इस तरह से ये ब्लैक स्केच पेन से मैंने स्केच किया हुआ है और बाकी का इरेज किया। अब यहाँ पे जैसे कलर दिखा है वैसे हमें कलरिंग करना है। यहाँ पे जो येलो कलर दिया है वो हम यहाँ पे देना है, तो इसके लिए पहले आउटलाइन करनी है इसको। उसके बाद पूरा कलर यहाँ पे इस तरह से फिलअप करना है। इस तरह से फिलअप करना है और इसी तरह से बाकी के सब कलरिंग हमें करके लेना है। तो इस तरह से ये हमारी मिनी बस कलर करके और ड्राइंग करके कलर करके कंप्लीट हुई है। तो इस तरह से आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है और इसकी फ़ोटो निकाल के मुझे भेज देनी है ताकि मैं वो चेक कर सकूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।